मानव जाति को हमेशा ये लगता है कि हमें सब कुछ पता है, पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें बहुत कम पता है, जैसे कि भूत, प्रेत, आत्मा या हिमालयन यटी। हिमालयन यटी के बारे में बाद में बातें करेंगे, पहले सिर्फ हिमालयाज के बारे में बात करते हैं। दुनिया का एक ऐसा हिस्सा जो बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है सदियों से, ना ही चाइनीज फौज, ना ही पश्चिमी फौज, ना ही ब्रिटिशर्स हिमालयस को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाए। हमें यह भी नहीं पता कि क्या भारतीय समाज ने पूरी तरह से हिमालयस को एक्सप्लोर किया है या नहीं। लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 50% ऑफ द हिमालयस इज अनएक्सप्लोर्ड। तो ये सोचो कि हिमालयस के अंदर कितने सीक्रेट्स बसी हुई है, कितनी ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, कितने छिपे हुए जानवर, कितनी छिपी हुई कहानियां। आज के व्लॉग में ऐसी कुछ छिपी हुई हिमालय की कहानियाँ, जहाँ हम थोड़े से अजीब और गरीब चीजों के बारे में बात करेंगे। ऑकल्ट जो है अंग्रेजी में एक शब्द जो है कि बहुत प्रचलित हो गया। देखिए, भूत का सरल शब्द यह है कि जो पास्ट में था, मतलब है। दो दिन पहले आपने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी, ऑडियंस और मेरे भाइयों के साथ एक बार आप वो स्टोरी शेयर कर दो। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, दिस वाज लाइक 12-13 साल पहले की बात है, जब मैं बद्रीनाथ से वापस आ रहा था। हम चार दोस्त थे, तो हम लोग जब चोपता से आगे निकले तो मैं काफ़ी देर से देख रहा था, एक गाड़ी मेरे से आगे चल रही थी, बलिनो नंबर थी वो। तो गाड़ी मेरे से लगभग 200-300 मीटर आगे चल रही थी। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर एक टर्न के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 या 1.5 किलोमीटर की सीधी रोड थी। सो दैट इज अ रेयर साइट इन हिमालयस। वो मेरे आगे आगे गाड़ी मुड़ी, मैंने उसके पीछे गाड़ी मोड़ी, लेकिन आगे जाकर जैसे ही मैंने देखी तो गाड़ी मुझे वो पूरे 1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में सीधा विजिबल स्ट्रेच था, वो गाड़ी दिखी नहीं मुझे कहीं पर भी। तो थोड़ी देर बाद मुझे वो गाड़ी अपने रियर व्यू मिरर में पीछे दिखी। ठीक है, हो गया होगा। अब मैं वहां से थोड़ा सा और आगे निकला तो अगले 2 मोड़ के बाद मुझे वो गाड़ी फिर आगे दिखी अपने। अभी ठीक है, अब ऐसा 2-3 बार जब हुआ तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखो तो सही चक्कर क्या है। मैंने गाड़ी साइड में रोक दी, उसके बाद जब गाड़ी मैं दोबारा बैठने लगा तो वो गाड़ी मेरे फिर पीछे से आ रही है गाड़ी। तो मैंने कहा तो गाड़ी को रोकूंगा और रोक करके देखना है मैंने कि इसमें है क्या, पंगा क्या है। तो गाड़ी आई, मैंने उसको हाथ दिया यूं दूर से। अब जब गाड़ी का शीशा उतरा उसमें से तो मुझे 2 बंदे उसमें दिखे, लेकिन अगला वाला जो बंदा था, जो मुझे जो बेसिकली फील हुआ कि वो कुछ अनकॉन्शियस सा था या ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप ऐसे कैसे करें? तो उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया, कह रहे आप चलिए, अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो गाड़ी चला रहा था बंदा। लेकिन मैं दूसरे बंदे से देखा, दो मुझे उसके साथ कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। अब ये बात आई गई होगी, ख़त्म हो गई वहीं पर बात। तो जब हम चमोली पहुँचे तो बोलता है तूने उस बेचारे आदमी को ऐसे डरा दिया। मैं कहा मैं तो दोनों को मारता, सालों को निकाल के। तो दोनों को मारता? मेरे गाड़ी में तो एक ही आदमी था। मैंने कहा तुम पागल हो गए। मैं कहा 2 आदमी बैठे हुए थे गाड़ी में। तो वो लोग आज भी उस बात को बोलते हैं कि उस गाड़ी में जो है एक ही बंदा था जो चला रहा था। मैं आज भी उस बात को बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे 100% यकीन था कि उस गाड़ी में 2 ही बंदे थे। हम गाड़ी लेके जा रहे थे, तो हम लोग वहां से जलंधर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक स्टेशन आता है लठियानी करके, तो वहां पे ये हुआ था। तो वहां पे वो उसने हाथ दिया। नहीं, मतलब उन्हें लिफ्ट चाहिए थी। लिफ्ट चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम बसेज इतनी ज्यादा नहीं होती थी, तो लोग ट्रक वालों से लिफ्ट ले लेते थे, तो इसलिए उसने लिफ्ट के लिए वो गाड़ी में आई थी। तब मैंने उसको देखा। चेहरा याद है उनका? हाँ, चेहरा नॉर्मल जैसे लेडीज होती है सेम वैसे था। तो जैसे उसने हाथ दिया, लिफ्ट मांगा, हमने उसको लिफ्ट दिया। जब वो गाड़ी के अंदर आ गई तो जो मेरे उस्ताद थे तो वो सिगरेट जला रहे थे, तो वो लेडीज थी तो उन्होंने सिगरेट बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए कि अब वो बैठ गई अंदर। लेकिन जब उनकी नज़र उसके पाँव की तरफ गई तो उसके पाँव उल्टे थे, उन्होंने एकदम से जैसे माचिस की जलाई
तो वो एकदम खिड़की से बाहर भागी और ऐसा करते हुए चिल्लाते हुए गई कि मैं जल गई जल गई जल गई। तो उस टाइम मतलब वो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था, फिर गायब हो गई, मतलब दिखी नहीं उसके बाद। एक बार की मैं आपको कहानी बताता हूँ कि खेती होती थी हमारे यहाँ, तो वहां से जानवर बहुत होते थे, तो हम मैं नाना जी कभी मामा हम लोग मचान पे बैठते थे खेत में, जो है वो वॉच टावर जैसे लगा के, तो वो कहते थे कि देखो इनका भी हिस्सा है, इनको भी खाने देना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, हमने देखा कि वाइल्ड बोर दौड़ते आ रहा है खेत के बीच में। अब ये कभी नहीं होता था क्योंकि खेतों के बीच में डायरेक्ट कहां से पैदा थोड़ी हो जाएगा। अब खेत की ना अलग अलग सेक्शन होती है, तो एक सेक्शन में जब घुसा तो वाइल्ड बोर था, अगले सेक्शन में वो हिरण बन गया, अगले सेक्शन में आया तो वो बड़ा सा एक पक्षी बन गया क्रेन जैसा, फिर वो जब हमारे मचान के पास आई तो वो औरत हो गई। और मुझे नाना जी ने सिर्फ एक चीज कहा था कि तो आवाज बोलो, तो मैंने आवाज नहीं की, चुपचाप बैठ, और वो मेरे आंखों के सामने वो जो औरत थी वो एक छोटी सी चूहिया बन गई, चूही, और वो खुद ब खुद जो चूहे का एक वो रखते थे हम, तो वो उसमें खुद आके बैठ गई। अब वो बैठी इसलिए बिकॉज वो नाना जी कर रहे थे अपना ध्यान, और नाना जी ने फिर उस चूहा को उठाया और वो पास में एक बैम्बू की एक यू नो छोटी सी जंगल टाइप थी उसमें ले जाके छोड़ दिया। फिर मैं क्यूरियस ब्रेन क्योंकि और मैं भी चीज़ें सीख रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि क्या था मुझे बताओ, तो फिर नाना जी ने मुझे कहा कि वो एक आत्मा थी जो हमारे खेत की रक्षा कर दी है, और जब कभी उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते उसको, और जब कभी उसको ये लगता है कि नाना जी हैं तो वो कम्युनिकेट करने के लिए और आ जाती है, और ये जो उसने एनिमल्स के अलग अलग जो रूप बदले या हमें दिखा वो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए था। ये सुनने में तो सिर्फ कहानी लगती है और इसको प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है मेरे पास, लेकिन ये सच्ची घटना है, मेरे साथ हुआ है। आई फील कि आप डेफिनेटली ट्रैवल एक्सपर्ट हो, पर आप हिमालय एक्सपर्ट भी हो, हिमालयस के बारे में आपको बहुत ज्यादा पता है। हाँ, मेरे को भी जो मेरे दोस्त वगैरह है उन्होंने मेरा निकनेम यति रखा हुआ है, द माउंटेन मैन। जो आपने कहा ये यति शब्द, एक बार हमारी ऑडियंस को भी समझा दो कि यति शब्द के ओरिजिन्स क्या है और आपने उस चीज के बारे में सुना क्या है। हिमालयन यति के बारे में ज्यादा रिसर्च तो नहीं हुआ है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हिमालयन यति सिर्फ एक कहानी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है हिमालय की एक बड़ी सीक्रेट हो। अगर आप हिमाचली या उत्तराखंडी या नेपाली लोगों से यति के बारे में पूछोगे तो कोई ना कोई जरूर ये कहेगा कि उन्हें उनकी जिंदगी में यति या तो दिखा या यति के बारे में सुना है। खुद भारतीय फौज ने भी यति साइटिंग्स रिपोर्ट की है। कहानियों की बात मानी जाए तो बोला जाता है कि यति एक 7 फुट लंबा आदमी और बंदर का मिश्रण है, और अगर दूसरी कहानियों को माना जाए तो लोग कहते हैं कि यति हिमालयस का रक्षक है। शायद यति के कुछ राज हैं जिसके बारे में जानने के लिए मानव जाति तैयार नहीं है। क्या वो हिमालय का रक्षक है या क्या यति हिमालय का एक राक्षस है? आपको लगता है यति एग्जिस्ट करता है? या करता होगा। देखो वो चीज़ें हम लोगों की पहुंच से बाहर है ना। अब हम लोग अगर हिमाचल घूमने जा रहे हैं तो हिमाचल में घूम लिए, शिमला कुल्लू मनाली किन्नौर, अब जो जहां तक रोड जा रही है वहां तक तो हम चले गए, लेकिन उस रोड के ऊपर जहां पर इंसान की पहुंच नहीं है, जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, अब कहने को तो लोग बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को भी चढ़ते हैं, दे क्लाइम दोज माउंटेन्स, बट दे वुड नॉट यू नो कवर इट you know in the diameter and the whole thing, so you are absolutely unaware about that life ki wo jo life hai ki wahan pe koi life hoti bhi hogi ya nahi hoti hogi, to definitely ye bahut sari life exist karti hogi, so mera bhi ye manna hai ki unka agar koi duniya hai to we should not try to intrude, वैसे यार humans puri ki puri dharti mein to hum log intrude kar chuke hain, to at least kuch space open chhod dena chahiye ek dusri life ke liye bhi। yati ke bare mein aapne bhi suna hai? ha yati ke bare mein suna hai। kya bolte hain log? लोग बोलते हैं कि है, मतलब स्नोमैन है भी पीछे, जैसे खबर सुनी थी कि एक आर्मी वाले को दिखा है
तो बहुत बड़ा पैर था, जो निशान देखे थे तो उन्होंने फेसबुक पे भी डाला था, तो बोलते हैं कि है। आपने यति के बारे में सुना है लोकल्स के थ्रू? तो ये कहते हैं कि ये एक सिंबल ऑफ पॉसिबिलिटी है कि जो है कि ह्यूमंस हमेशा ये सोचते हैं कि दे आर द मोस्ट इवॉल्व्ड यू नो वॉकिंग एनिमल्स ऑन अर्थ, लेकिन नहीं, जो है कि हमसे भी सुपर स्मार्ट और हमसे भी सुपर पावरफुल बींग्स जो हमारी तरह दो पैरों में चलते हैं वगैरह वो एग्जिस्ट करते हैं। और रियलिस्टिक आंसर ये है कि अगेन इट गिव्स अ पॉसिबिलिटी फॉर साइंस टू सर्च व्हाट इज बियॉन्ड अस एंड हाउ मच, एंड इट ऑल्सो गिव्स कि एक वो भी एक डायरेक्शन हमें देता है कि वी हैव नॉट डिस्कवर्ड एवरीथिंग, हमें बहुत कुछ ढूंढना अभी बाकी है। आपको लगता है कि हिमालय में भी ऐसे पोर्शंस हैं जो अनकम्प्लीटली अनएक्सप्लोर्ड है? यार हिमालयस पूरा ही अनएक्सप्लोर्ड है अभी। आप क्या हिमालयस को ऐसी छोटी चीज तो है नहीं। अब किसी को पता है कि यार इस पहाड़ के ऊपर जहाँ जगह नहीं है पहुँचने के लिए, तो वहाँ पे कोई क्यों जाएगा और क्यों रहेगा वहाँ पर जाकर के? तो ये तो आप जो हिमाचल में या उत्तराखंड में जहाँ जहाँ लोग रह रहे हो तो बहुत छोटे छोटे पोर्शन हैं यार। लेकिन कभी ये सोचा कि जैसे यहाँ रोड खत्म हो गया तो इस रोड के बाद क्या होगा? वो पूरा फिर तो पहाड़ है, जंगल है, वहाँ तो कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा किसी को क्या पता। जितना आप लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे, आप उतना ही ऑकल्ट के बारे में जानेंगे, काला जादू के बारे में जानेंगे, नेगेटिव एनर्जीज के बारे में जानेंगे, भूत प्रेतों के बारे में जानेंगे, ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिस पर ज़्यादा रिसर्च आज तक नहीं हुआ है। पर इसका ये मतलब नहीं कि ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हजारों सालों से ये कहानियाँ चलते आ रही हैं तो इनके पीछे कुछ तो सच होगा। कभी भी ज़िंदगी में इतना घमंडी मत बनो कि आपको ये लगे कि आपको खुद सभी चीज़ों के बारे में पता है। हिमालय में बहुत राज छिपे हुए हैं, इस दुनिया में बहुत राज छिपे हुए हैं, और मानव जाति ने काफ़ी सारे राज के बारे में हाल ही में ही जानना शुरू किया है। ये था हमारा हिमालय हॉरर स्पेशल। हम्बल रहो, सीखते रहो, और अनेक लोगों की कहानियाँ और एक्सपीरियंसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते रहो।